मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गोहाना के खानपुर पीजीआई में कोविड 19 अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएम मनोहर लाल के साथ तमाम अधिकारी और नेता मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने मेडिकल कॉलेज में प्रमुख चिकित्सकों से मुलाकात की। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने सोनीपत जिले में 4,38,00,000 की लागत से अलग अलग क्षेत्रों में बनने वाली व्यायाम शालाओं का भी उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बारोदा उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर बारोदा उपचुनाव लड़ेगी और बारोदा उपचुनाव में हमारी जीत होगी। वहीं सीएम ने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि पार्टी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और जल्द ही नाम का ऐलान किया जाएगा। तो गोहाना से सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत वो कर रहे हैं। जिस आदमी को कोई पूछता नहीं था, हमारी सीधी अप्रोच होती है, चाहे टेलीफोन से करें, चाहे ऑनलाइन सिस्टम से करें और चाहे सरकारी आदमी उसके घर भेजें। किसी को मकान की जरूरत है तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हर एक का मकान 2022 तक बनवाएंगे। लोगों के पास प्लॉट नहीं है, हमने वो भी सिस्टम बनाया है कि भाई कहीं सस्ते मस्ते जो थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके अपना प्लॉट ले सकते हैं तो प्लॉट, और उसके बाद फिर 2.5-3 लाख रुपए की सब्सिडी भी उसमें दे रहे हैं। हर खेत को पानी, हर घर को नलका, हर रसोई में गैस सिलेंडर, ये हमारे काम है। सिलेंडर पहुंचा दिया, आज गांव का कोई ऐसा रसोई नहीं है जिसके अंदर गैस सिलेंडर ना हो, और अगर कोई हो तो अभी नाम ले जाओ, बुला के ले आओ, कोई नाम ले जाओ जिसके घर में रसोई सिलेंडर ना। अब अगले 2 साल का हमारा टारगेट है हर घर में पानी का नलका रसोई के अंदर। अभी तो जो कॉमन होती है ना, उसको पोस्ट बोलते हैं पानी की, बहुत गांव में वो लगी हुई है, वहीं से पानी भर के लाओ। हमने तय किया कि हर घर में पानी का नलका पहुंचेगा और अभी 7 लाख कनेक्शन हमारा टारगेट है इसे 1 साल का। 7 लाख कनेक्शन तो हम दे देंगे 31 दिसंबर ये 2020 तक, बाकी 2021 और 2022 इसको पूरा कर देंगे। जहां पीने का पानी नहीं पहुंचता नहर का, वहां पानी पहुंचा देंगे, वाटरवर्क्स बनवा देंगे, घर घर के पाइप डलवा देंगे। गाँव में खेतों में अगर ढाणी बनी हुई है 10-20 घरों की, वहां पानी पहुंचा देंगे। बहुत दूर कोई ढाणी होगी तो वहां नहर के पानी लगा करके छोटा वाटर वर्क बनवा देंगे अलग से। यानी छोटा वर्क 1-2 लाख लीटर का भी अगर भरना होगा तो 7x7 मीटर का एक वर्क बना करके, ताकि उनको भी पानी पीने का जरूरत हो जाए। बिजली 24 घंटे देने की हमने तय कर रखा है और 24 घंटे बिजली 4,500 गांव में मैंने पहुंचा दी है। और मुझे पता नहीं मारा गांव में अभी कितनी बिजली आती है मुझे पता नहीं है, 16 घंटे। और अगर आज मैं कह दूं कल से 24 घंटे आएगी तो हमारा गांव में और अगला रुखी गांव में, इन दोनों गांव में मैंने कह दिया कि इसकी कल से 24 घंटे भी निकलता की। भाई देखो कितना की 8 घंटे तय है, 8 घंटे नहीं आती तो पूरी करा देंगे। दिन में ही आओगी ना, चलो वो बात कर लेंगे, लेकिन 8 घंटे पूरी मिलेगी। लेकिन एक बात मेरी खेतना वास्ते मान लो, अगर कहीं किसी इलाके में पानी बहुत गहरा चला गया है तो वहां पानी जो खुली सिंचाई करने की बजाय सरकार 85% सब्सिडी देती है, आप फुहारा सिंचाई पर आ जाओ, माइक्रो इरिगेशन पर आ जाओ। माइक्रो इरिगेशन पर आओगे तो जो आप 8 घंटे फ्यूल चलाते हो वो आपका 4 घंटे में काम कर जाएगा। 8 घंटे में अभी मानो कितना भरते हैं आप, किला 2 किले कितने भरते हो 8 घंटे में फ्यूल से, 1 किला, 1.5 किला, और माइक्रो इरिगेशन पावर 3.5 किले भरेंगे हिमालय।
3.5 किले की सिंचाई एक दिन में करवा हो गए। और एक किसान आज अपना ट्यूबवेल लगाता है, अगर थोड़ी थोड़ी जमीन के 3-4 किसान मिल करके एक ट्यूबवेल से काम चला सकते हैं। बिजली बची, खर्चा बचा, टाइम बचा, पानी बचा। पानी बचाने के लिए हम लगे हुए हैं भूख। इस इलाके में पता नहीं धान होता कि नहीं होता, हम उसमें भी पूर्ण करेंगे कोई ना कोई। ये भी धान जितना पानी पीता है ना, इसके बजाय उस पानी को आप जमीन के अंदर डाल दो, बोर कर लो 4 दिन के, और बोर कराने का पैसा वो भी सरकार खर्च करेगी, 10% लेंगे सिर्फ किसान से। आज अगर आपका कितना लेवल है आज पानी का यहाँ जमीन में, बारह फुट नहीं होगा भाई, दो लाइन है, चलो फिर कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ बहुत गहरा पानी चला गया है, हाँ, तो हमने बैन कर दिया चावल से भी, आधा चावल हो आधा छोड़ो, और बल्कि 7,000 रुपए किल्ला हमने देना भी शुरू कर दिया। 2.5 लाख किल्ले किसानों ने कह दिए कि हम इस बार धान छोड़ देंगे, 2.5 लाख किलो में कहा लोगों ने, तो उन्हें ऑफर कर दिया कि वो पानी बहुत नीचे चला गया। हर साल 1-2 पाइप उनको ट्यूबवेल में नीचे डालना पड़ता है, तो आपके इलाके में तो ट्यूबवेल की मोटर भी छोटी लगती होगी। उसके लिए जिन इलाकों, जिन लोगों ने फार भर रखे थे, उसमें 10 आसपास तक के जितने भी ट्यूबवेल थे, वो लोगों को हमने कह दिया भी अपनी मोटर ले आओ, अपने आप ले आओ, मोनोब्लॉक मोटर ले आओ। 10 हॉर्स पावर सिर्फ मैं 10 की कर, कितने हॉर्स पावर है, अरे कितने हॉर्स पावर है, 7.5 की। आप पैसे अपने वापस ले लो और जाकर ले आओ बाजार से मोनोब्लॉक, क्योंकि अब जितनी ऊपर से मोटर आनी थी 5 स्टार की वो नहीं आ रही है। कनेक्शन मिल जाएगा, आप मोटर ले आओ, लगवाओ, ले आओ कनेक्शन। आपका कोई कनेक्शन की दिक्कत आए तो आप अपने यहाँ के नेता चाहे क्या नाम योगेश्वर जी को बता दो, आपको किसी एक दिन का, किसी एक इलाके का टाइम लिख के बताना कि इस गांव में इतने बजे लाइट आई, इतने बजे चली गई, पिछले 3-4 दिन का फिगर लिख दो, या अगले 4 दिन का लिख के मेरे पास भेज दो, व्हाट्सएप कर दो मुझे, बस मैं तो मार लूंगा अपने आप। सिंचाई करनी है उसमें देंगे, जिस दिन पानी पीछे से पूरा आ गया उस दिन छोड़ देते। पानी नहरों में कितना है अभी पता है क्या, अभी नहीं आ रहा, अभी असल में क्या है कि पश्चिमी जमुना कैनाल उसकी मरम्मत कर रही है पीछे, जिससे करनाल वाले देखा करनाल में पूरी नहर अभी खाली पड़ी थी, पश्चिमी जमुना कैनाल का काम भी चल रहा है। अगर पानी फिर भी पूरा आता होगा या ज्यादा आ रहा होगा तो आपका छुड़वा देंगे, कल ही छुड़वा देंगे। अब आपका जेल में जितना पानी आ रहा है सारा आगे जा रहा है, अच्छा यहाँ के लिए स्पेयर नहीं है अभी, अच्छा पानी पीछे से कम आ रहा है, कितने क्यूसिक आ रहा है, पानी अगर 6,000 से ज्यादा हो गया होगा तो इसमें डाल दे, क्योंकि मैंने अधिकारी साथ बुला रखे,
तो आपकी कोई समस्या, बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, सड़कें भी मेरे पास 12-13 आई है इलाके की। छह घंटे अरे बताया 8 घंटे आएगी, एक बात 8 घंटे आएगी, नहीं आएगी तो मुझे डेली डेली रिपोर्ट देना, हाँ डेली रिपोर्ट देना मुझे। सड़कों की रिपेयर और जो कोई एकाध नहीं भी बनने वाली है, आज मैं टोटल जाके और 12-13 सड़कें नई घोषणा करने वाला हूँ इलाके की, जहाँ बिल्कुल टूटी पड़ी है, नहीं बननी है। कुछ सड़कें ऐसी जो 12 फुट से 18 फुट चौड़ी करा देंगे। बिजली का कट का कोई कारण नहीं है, वो तो कोई टेक्निकल फॉल्ट तो अलग बात है, वरना हमारे पास बिजली कमी नहीं है। बिजली जहाँ 24 घंटे एक बार घोषित होगी वहाँ 24 घंटे देते हैं, 18 होगी 18 देते हैं, 16 होगी 16 देते हैं। और अगर कहीं बिना सूचना के बिजली कट लगता है तो आप हमारे पास लिख करके भेज दो, नहीं तो बिजली का ऐसी है उसको बता दो। जो बिजली है हमारे पास स्पेयर, हाँ जहाँ चोरी करते हैं अभी भी बिजली की, वहां तो हम बिजली कट मारते हैं, पानी देंगे पूरी। जहाँ कट कोई चोरी करेगा, कुंडी लगाएगा, बिल नहीं भरेगा, अगर 4,500 गाँव लाए हैं तो यहाँ तक इसी तरीके से लाए हैं। आज आपकी जानकारी के लिए हमारा बिजली बोर्ड का घाटा सारा खत्म है, वरना 17,000 से 27,000 करोड़ का घाटा हमने भरा कांग्रेस के टाइम में। 27,000 करोड़ भाई, 27,000 करोड़ रुपए का घाटा हमने भरा, अब घाटे खत्म हो गए हैं और अब हमने 24 घंटे बिजली देनी भी शुरू कर दी है। धीरे धीरे गांव बढ़ा रहे हैं, जैसे आज से हमने यहाँ के 9-13 गांव किलोमीटर के 13 गांव आज से 24 घंटे कर दिया। सारे में